पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत नशा उन्मूलन महिला समिति के द्वारा VCCL के PB एरिया 7 के गोपालीचक कोलवरी पेज 2 के अंतर्गत चलने वाले STG आउटसोर्सिंग में 10 सूत्री मांग को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। समिति के केंद्रीय अध्यक्ष सुंदरी देवी ने धरना को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोग आउटसोर्सिंग कंपनी को पूर्व में ही अपने मांग पत्र दिए थे, मगर हमारी मांग पत्र कोई भी पहल नहीं किया गया, तो आज शुक्रवार को शांतिपूर्वक एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। अगर इस धरने के बाद भी हमारी मांगें नहीं मांगी गई तो आने वाले दिनों में कंपनी का अनिश्चितकालीन चक्का जाम करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही आउटसोर्सिंग कंपनी की होगी। उन्होंने आगे कहा कि परियोजना से उत्पादित कोयला नव निर्मित कोल डंप में उपलब्ध कराते हुए लोकल सेल के माध्यम से ट्रक लोडिंग कराई जाए, ताकि स्थानीय रेवेतों एवं विस्थापितों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। मौके पर मनोज चौहान, नेहा देवी, नीतू देवी, सुनीता देवी, मनोज महतो, संजय महतो, राजेश महतो आदि सैकड़ों समिति के महिला पुरुष मौजूद रहे। आप क्या कहेंगे मैडम, यहाँ एक दिवसीय धरना रखा गया है? आज हम लोग एक दिवस धरना रखे हुए हैं कि जो यहाँ जो कंपनी है कि GTSC, तो इसमें हम लोग के यहाँ के ग्रामीण का स्थानीय नियोजन नहीं मिल रहा है, ना यहाँ पानी का सुविधा मिल रहा है, ना बिजली मिल रहा है, और ना पानी का छिड़काव हो रहा है, इसलिए आज हम लोग एक दिवस धरना रखे हैं। अगर कंपनी अपना मनमानी इस तरह करते रहेगी तो ग्रामीण कहाँ जाएगा, तो इसलिए आज हम लोग धरना के शांतिपूर्वक धरना के माध्यम से हम लोग संदेश देना चाहते हैं कंपनी को, ये अपना यहाँ का जो स्थानीय है उनको नियोजन 75% दे और जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाए, नहीं तो फिर हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देंगे और चक्का जाम करेंगे। कुल कितने सूत्रों को मांग लेकर आप बैठे हैं? हम लोग का कुल 10 मांग है जी। मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांग हम लोग का ये है कि यहाँ का 75% आदमी को नियोजन में रखना है, यहाँ पानी छिड़काव करना है, और यहाँ मेडिकल सुविधा का उपलब्ध करवाना है, और यहाँ के जो है क्या बोलते हैं पानी बिजली ये सब हम लोग टैंकर द्वारा दे, चाहे जो जिस माध्यम से दे वो दे, और सौ वाहन जैसे यहाँ के ग्रामीण भी कोई डेट कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है, तो ये कौन जिम्मेवारी लेगा, यहाँ का कंपनी को लेना होगा। यदि आपकी मांगों को कंपनी नहीं सुनती है तो अगला कदम क्या होगा? तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के माध्यम से हम लोग इनको चक्का जाम करेंगे कंपनी को, अगर उस बीच में अगर ये ग्रामीण से बैठ के बात करे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता देवी, मैं नशा उन्मूलन केंद्र अध्यक्ष।